मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवैध उत्खनन का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है और शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदेश सरकार को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपयों के अवैध खनन माफिया जोरों शोरों पर काम कर रहे हैं। बाहुबलियों के दम पर जारी अवैध उत्खनन का कारोबार एक्वाटेक पुल के नीचे भारी मात्रा में किया जा रहा है। बालू रेत का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर खूब फल फूल रहा है और प्रदेश की कमलनाथ सरकार आंख मूंद कर हाथ पर हाथ रखकर बैठी दिखाई दे रही है। खंडवा जिले पर चप्पे चप्पे पर माफियाओं का आतंक जारी है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में माफियाओं का बोलबाला देखने को मिला है। साथ ही रेत माफियाओं का मोरटक्का से लेकर ग्राम बिलोरा बुजुर्ग, ग्राम कटार खेड़ी, खेड़ी घाट, नाव घाट में दिन दहाड़े भारी पैमाने पर बालू रेत का अवैध उत्खनन बिंदास किया जा रहा है और सरकारी अधिकारी देखकर भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अवैध उत्खनन का कारोबार नहीं थम रहा है। जहाँ पर एक तरफ कमलनाथ ने माफियाओं पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी केवल खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। मानदाता उत्खनन, मानदाता में उत्खनन के लिए शिकायतें मेरे कलेक्टर से बोल चुका हूँ। देखिए, हमारी सरकार जितने भी खनन माफिया हो या मिलावट माफिया हो या अन्य भू माफिया हो, उसके लिए बड़ी जागरूकता से काम कर रही है। आप देख रहे हैं आए दिन टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जो खनन का काम यहाँ पे बड़े पैमाने पे चल रहा है, आपने मेरे संज्ञान में लाया और कुछ कुछ संज्ञान में मेरे पहले से भी है। इसकी कलेक्टर और ऊपर उच्च स्तरीय हम लोग शिकायत करेंगे और निश्चित इस प्रकार का अवैध जो काम चल रहा है उसको निश्चित रोकेंगे। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।